हम तेरे आशीर्वाद भक्ति सा गोपाल कृष्ण स्वामी की नाम गोपाल से साहित्य या प्रकाशाय मिताय नितीर्य च प्रचार पिता साधु भगवत पादाधि माय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी के गोपाल जी। तो पहला तो पॉइंट ये कि जो महाराज जी थे वो बहुत ही हम्बल थे। इसका एग्जांपल आता है कि एक पर्सन था उसने महाराज जी को मुक्का मारा था, और ये बहुत पहले की बात है जब प्रभुपाद जी थे, तो उस समय क्या कर रहा था कि उस समय उन्होंने महाराज जी को मुक्का मारा, लेकिन महाराज जी ने उसके प्रति कोई मतलब पूरा वो नहीं रखा भाव। और जब प्रभुपाद आए तो प्रभुपाद ने कहा थैंक यू गुरु महाराज को कि उन्होंने अपना जो सहिष्णुता दी, क्योंकि गुरु महाराज अपने जहाँ लेक्चर में बोलते थे यू शुड प्रैक्टिस करो रवि सभी चेहरा, कि उन लोग सहनशीलता में उसे बनाए रखे। और ऐसे ही मतलब बहुत बार ऐसा हुआ था कि किसी ने हिंसा करी महाराज के प्रति, लेकिन महाराज की गमली की बनाई और उसको दया करे। सेकंड मेरे याद है प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमें कृष्ण को सर्व करना चाहिए 24 आवर्स। और एक वीडियो भी आई थी इंस्टाग्राम पे जिसमें हम देख सकते हैं कि जो गुरु महाराज हैं वो भगवान की आरती कर रहे हैं, लेकिन वो कब कर रहे हैं जब वो अत्यंत ही नींद में हैं, तो नींद में सोते सोते मतलब भगवान की आरती कर रहे हैं। तो इसमें लोकनाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि उनका मतलब इतना प्रगाढ़ प्रेम था भगवान के प्रति, और उनकी मतलब इतनी इच्छा होती थी कि वो पुजारी के सारे तारे करें कि वो अपने नींद में भी मतलब भगवान को याद करते थे। थर्ड आता है कि अपने गुरु को वो पालन करते थे, मतलब हर क्षण हर व्यक्ति मतलब अपने जीवन का हर क्षण उन्होंने किसके लिए दिया और बाहर से लेकर। इसमें तीन मतलब एग्जाम्पल मैंने दी सपोर्ट करने के लिए। पहला है कि प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था गुरु महाराज को, उसमें उन्होंने लिखा था कि दिल्ली में हमारा एक मंदिर होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने जब उसको मतलब प्रचार करना चालू करा, तो जब प्रभुपाद मतलब इस जगह से चले गए थे, उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, जो प्रभुपाद थे वो चाहते थे कि 12 मंदिर होने चाहिए, और फिर उन्होंने अपनी चीज़ें लगा के 18 मंदिरों का निर्माण करा दिया। सेकेंड बता दें कि जो हिजोलिनस बीबी गोविंद स्वामी महाराज, कि जीबीसी का मतलब होता है अगर कोई जीबीसी में है तो यानी कि हम एक हेल्प कर लेंगे, क्योंकि हमें डिवोटीज़ के बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब तालमेल बनाना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है और कई कई कठोर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने वो इतनी कठिन सेवा ली, वो भी बहुत इनिशियल डेज में ली थी जब प्रभुपाद से, और फिर उसको आज तक अपने अंतिम सांस तक पालन करा। तीसरा आता है कि जो गुरु महाराज थे उन्होंने अपने हर लेक्चर में प्रभुपाद के दिए हुए बरपट से अलग कुछ नहीं बोला। प्रभुपाद जो भी लेक्चर देते थे आधे घंटा एक घंटे तक का, महाराज जी का कंटेंट जो था वो पूरा गुरु महाराज मतलब प्रभुपाद के ऊपर ही। और प्रभुपाद को किसी ने एक बार पूछा था कि आपका माधवाचार्य से मतलब बहुत मेल मेल खाता है जो आप कंटेंट देते हो, तो प्रभुपाद ने कहा था इट इज़ माई ग्लोरी, सो इट इज़ द ग्लोरी ऑफ गुरु महाराज की उनका कंटेंट अपने गुरु से पूरा पूरा मेल खाता था, चाहे उन्होंने कहीं पर भी कोई भी लेक्चर दिया हो। चौथा आता है उनकी करुणा भाव। उनका करुणा भाव क्या था कि एक बार ये भक्त गुजारे थे कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाने का उनका मन था गुरु महाराज के साथ, तो गए तो गुरु महाराज ने कहा यू शुड लुक डाउन। तो उन्होंने टीचर देखा तो उन्होंने कहा क्या देखें गुरु जी मतलब महाराज, तो महाराज ने कहा कि आपको हर चींटी को देखना है, तीन मिनट हर चींटी को देखते चलना, क्योंकि उनमें भी क्या है जीवात्मा है और उनको भी कष्ट होता है। और पाँच और कुछ टीचिंग्स हैं गुरु महाराज की वो मैं शेयर करूँगा। पहला, मोहन रूप प्रभु जी ने बताया कि जब वो मंदिर ज्वाइन कर रहे थे तो महाराज जी ने उनको बोला था कि आप किसी और में दोष दर्शन ना करें, नेवर फाइंड फॉल्स इन डिवोटीज, क्योंकि अगर हम किसी और के अंदर दोष दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर का जो भक्ति लगा बीज है वो सूट जाता है और हमारी भक्ति धीरे 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 खत्म हो जाती है। और प्रभुपाद ने भी एक चीज़ कही थी कि आपका मेरे प्रति प्रेम वो तब पता चलता है जब मैं चला जाऊँगा और आप अपने आपस में कितना मिल बांट के रहोगे। और वही चीज़ गुरु महाराज ने अपने बिल में भी लिखी कि हम सबको मिल बांट के रहना है, किसी के अंदर दोष नहीं देखने हैं, हर किसी को गुण देखने हैं और आपस में एकदम परिवार की तरह रहना है। कोई भी नहीं कि मतलब किसी के प्रति घृणा ले रख रहे हैं या मतलब किसी के लिए अरे ये तो कम माला कर रहे हैं ज़्यादा माला कर रहे हैं, हर किसी का पहले तो हमें हर किसी के साथ मिल बांट के रहना है। और आखिर में बस एक ही चीज़ थी कि गुरु कि हमारा जो सबसे मतलब मेन सिद्धांत है वो है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। और आखिरी के जो शब्द थे गुरु महाराज के, जब डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे उनके हार्ट को रिवाइव करने का, तब गुरु महाराज ने आखिरी में सबसे लास्ट में
जो उनकी मतलब लाइन चली गई थी हार्ट बीट की, तब लोकनाथ स्वामी महाराज ने बहुत तेज से हरे कृष्णा बोला था। तो गुरु महाराज ने मतलब वो बोल रहे थे हरे कृष्णा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, बट उन्होंने यही बोला कि लास्ट टाइम में गुरु महाराज ने क्या बोला, हरे कृष्णा अपने अंतिम क्षण में। तो हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें लास्ट तक अपने भगवान को और अपने गुरु की रानी को वो रखना है, मतलब सर्वोपरि रखना है। थैंक यू, हरे कृष्ण।